काजल एक अकेली माँ है जो मजदूरी का काम करते हुए अपने दो बच्चों का ख्याल रखती है। काजल की बेटी निशा 7 साल की है और उसके बेटा 2 साल का है। वैसे तो काजल अपने दोनों बच्चों को काम पर साथ में लेकर जाती है, लेकिन काम करते वक्त वो अपने बच्चों को किसी पेड़ के नीचे बिठाकर काम करती है। निशा बेटा, अपने छोटे भाई के साथ ही रहना, उसे छोड़कर इधर उधर मत जाना। अगर तुम्हें भूख लगे तो डब्बे में से खाना खा लो, और भाई रोने लगे तो उसे दूध की बोतल दे देना। ठीक है माँ, मैं यहीं रहकर भाई के साथ खेलूंगी, आप जाओ। ऐसे हर रोज काजल अपने बच्चों को अच्छे से समझाकर काम करने लगती थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने बच्चों पर ही रहता था। उसकी इसी गलती की वजह से जब वो भारी सामान उठाकर चल रही थी तब पैर फिसलकर गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोटें लगती है। वहाँ काम करने वाले दूसरे कर्मचारी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर पट्टी करवा कर वापस घर के पास छोड़ देते हैं। तब काजल उनमें से एक से, भाई साहब, मेरे बच्चे अभी उसी जगह पर बैठे हुए हैं, क्या आप उन्हें घर तक छोड़ देंगे? उन्हीं की वजह से ही तो ये सब हुआ है। तुम्हारी बेटी इतनी भी छोटी नहीं है, मैं उसे घर जाने के लिए कहूँगा, वो अपने आप आ जाएगी। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन काजल अपने बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो खुद ही लंगड़ाते हुए अपने बच्चों के पास जाती है। उस आदमी ने निशा के पास जाकर सारी बात बताता है और घर जाने को कहता है, लेकिन निशा अपने छोटे भाई को उठाकर चल नहीं सकती थी, इसलिए वही रोते हुए बैठ जाती है। काजल जैसे तैसे करके अपने बच्चों को घर तक लेकर आती है। घर पहुंचने के बाद, माँ भूख लगी है, खाना चाहिए। उसे देखकर छोटा बच्चा भी जोरों से रोने लगता है, क्योंकि उस टिफिन के साथ उसकी दूध की बोतल भी वही छूट गई थी। इसलिए काजल फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर लंगड़ाते हुए उस काम वाली जगह की ओर चल पड़ती है। रास्ते में जाते वक्त कुछ धनवान एक होटल में स्वादिष्ट खाना खाते हुए नजर आते हैं निशा को, इसलिए वो आगे बढ़ने की बजाय वही खड़ी रहकर उन्हें देखने लगती है। वो धनवान आधे से ज्यादा खाने को मजाक में नीचे फेंकते हुए बर्बाद कर रहे थे। छोटी और भूखी निशा उस खाने को उठाकर खाने के लिए भागती है। तभी काजल पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ चल रही है या नहीं। निशा, ये क्या कर रही हो बेटा, छोड़ो उस खाने को। ये कहते हुए काजल अपनी बेटी के पास आ ही रही थी कि तभी उस होटल का मालिक आकर निशा को डांटने लगता है। ये लड़के, अपनी ये कुत्तों वाली हरकतें कहीं और जाकर दिखाओ, यहाँ मेरे ग्राहकों को तंग मत करो। बीकारी कहीं के कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हैं। तमीज से बात कीजिए साहब जी, मेरी बच्ची अभी छोटी और काफी भूखी है, इसीलिए ऐसा कर रही है। जो लोग खाने की कदर करना नहीं जानते हैं, वो सही गलत की बात ना ही करे तो बेहतर है। तुम सही गलत की बातें बात कर रही हो, अपनी हालत तो देखो, पता नहीं तुम जैसे लोगों जन्म ही क्यों लेते हो, और ऊपर से दो दो का जन्म भी देते हो। ये बात सुनने के बाद काजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस होटल के मालिक को एक थप्पड़ मारकर ये कहती है कि उसने आज तक ना तो किसी के सामने सर झुकाया है और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाया है। आज सुबह काम के दौरान हुए हादसे की वजह से उसकी ये हालत हुई है। मैं मजदूरी करके 100 या 200 कमा कर उसी में खुशी खुशी गुजारा कर लेती हूँ, तुम्हारी तरह ज्यादा पैसों की लालच में
किसी धनवान की हर गलती को छुपाते हुए किसी गरीब की बेइज्जती नहीं करती हूँ। भले ही पैसों के हिसाब में आप लोग मुझसे ज्यादा बड़े हो, लेकिन उस लोगों के हिसाब में आप बहुत गरीब हो। ये कहते हुए काजल अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर उनका टिफिन रखा हुआ था। काजल वही बैठकर अपने बच्चों को खाना खिलाकर वापस लौट रही होती है कि वो होटल वाला उसे रोक लेता है। मुझे माफ कर दो बहन, और मैं ये माफी सच्ची दिल से मांग रहा हूँ। चाहो तो उस नए लगे हुए बोर्ड पर देख लो। उस होटल के मालिक ने एक बोर्ड पर कुछ तस्वीरें लगाई थी और उस पर कुछ लिखा हुआ था, इस होटल में खाने की बर्बादी सख्त मना है। जो यहाँ पर खाने की बर्बादी करते हैं, उन्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आने दिया जाता है। जिन्हें यहाँ पर आना मना है, ये उनकी तस्वीरें हैं। काजल को इतने अच्छे से पढ़ते हुए देखकर उस होटल का मालिक काजल को उसकी होटल में काम करने के लिए विनती करता है। काजल अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसकी बात मान लेती है। पार्वती का एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत परिवार है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटी पल्लवी और छोटा बेटा अर्जुन। पार्वती के पति आनंद एक टूथपेस्ट बनाने वाले कंपनी में सबसे ऊपर लगी हुई मशीन के पास काम करते हैं। पार्वती, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज संडे है। बच्चों से कहना कि मैं आज घर जल्दी से आऊंगा और हम सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे। वो दोनों ये बात पहले से जानते हैं। आप अपना ख्याल रखना और काम के वक्त कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है पार्वती, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए आनंद अपने काम पर चला जाता है। पार्वती अपने पति को हर रोज ये बात जोर देकर इसलिए कहती है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि आनंद कितनी खतरनाक जगह पर ठहर कर काम करता है। आनंद जहाँ पर काम करता था उस जगह पर से गुजरने के लिए भी डरते हैं दूसरे कर्मचारी। ऐसी जगह पर कितनी सावधानी बरतने पर भी कभी ना कभी तो हादसा होना ही था। उस दिन आनंद का उस ऊंची जगह पर से पैर फिसल जाता है और उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट जाती हैं। फैक्ट्री वालों ने पहले से ही आनंद से हर एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया था, अगर काम के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब जानने के बाद ही आनंद काम करने के लिए राजी हुआ था। फैक्ट्री का नाम बदनाम ना हो, इस डर से फैक्ट्री वाले आनंद के टूटे हुए हड्डियों का इलाज करवा कर उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। क्या हुआ है इन्हें? सुबह जब घर से निकले थे तब तो ठीक ही थे। काम के दौरान इन्हीं की गलती की वजह से इनका हादसा हो गया था। एग्रीमेंट के हिसाब से तो हमें सिर्फ घर वालों को ये बात पहुंचानी थी, लेकिन हम आपके पति का इलाज करके इन्हें घर तक लेकर आए हैं। और फैक्ट्री की तरफ से ये कुछ टूथपेस्ट के पैकेट्स रख लीजिए। ना कोई हर्जाना, ना ही कोई सहानुभूति, बस कुछ टूथपेस्ट के पैकेट्स देकर फैक्ट्री वाले वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? पिताजी को चोट लगी है बेटा, वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आज संडे है, मैं पिताजी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। पल्लवी थोड़ी सी बड़ी है इसलिए वो समझ गई थी, लेकिन अर्जुन अभी छोटा है। पार्वती को उसे समझाने के लिए काफी समय लग जाता है। आनंद की तनख्वाह इतनी थी कि वो अच्छे से अपने परिवार को तीन वक्त खाना खिलाकर अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था।
ये सब करने के बाद महीने के अंत में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते थे। पल्लवी बेटा, तुम अपने भाई के साथ खाना खा लो, मैं जाकर पिताजी के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आपने तो दोपहर का खाना ही नहीं बनाया है। सुबह का खाना होगा बेटा, तुम दोनों मेरे आने तक उस खाने से काम चला लो, आने के बाद मैं गरम गरम खाना बना कर दूंगी। ये कहते हुए पार्वती अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते की दवाइयाँ खरीदने पर पार्वती के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर पार्वती का छोटा बेटा उसके आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पार्वती ने उन्हें गरम गरम खाना बनाकर खिलाने का वादा किया था। माँ आप आ गई, अब जल्दी से खाना बना कर दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सारे पैसे तो खत्म हो गए, अब खाना कहाँ से बना कर दूं? इससे पहले कि ये रोने लगा, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए पार्वती जैसे तैसे करके अपने बच्चों को समझाकर अपने पति को दवाइयाँ खिलाकर घर के बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाती है। आज तक जिस पार्वती को घर और बच्चों के अलावा कोई काम नहीं मालूम था, आज वो दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार है। उस दिन से पार्वती खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाने की कमी ना हो, इसलिए लोगों के कपड़े और बर्तन धोने का काम और सड़क साफ करने जैसा हर काम करती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके बच्चे बड़े होकर उसकी मुश्किलें दूर कर देंगे।